अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक मज़े में होंगे। तो आज गांव हसनजई पलोसा से हम जाने वाले हैं, और ये आप बैक साइड पे देख सकते हो, मैं आपको इस घर का विजिट भी कराता हूँ। ये देखें, घर देखें, ये पुराने वक्तों का। ये देखें, अंदर तो बहुत अंधेरा है। ये देखें, ये गांव के घर हैं। सही है, ये पूरी की पूरी लकड़ी, लकड़ियों से बना हुआ। ये देखें, ये छत है, मुकम्मल लकड़ियों से और छोटी छोटी लकड़ियों से बना हुआ। और ये किस पे टिका हुआ है, ये भी लकड़ी है। ये देखें, और ये देखें, दरवाजे चेक करें, पता नहीं कौन से सन के दरवाजे हैं। ये देखें, और अंदर तो जाना और वीडियो बनाना कोशिश करते हैं। ये देखें, ये देखें, ये लकड़ियाँ देखें, और ये देखें, ये अंदर का नज़ारा। और ये सर्दियों के लिए ये चूल्हा है, ये सर्दियों में इस्तेमाल किया जाता है। ये पाइप लगा हुआ है, और ये यहाँ से बाहर के तरफ जो यहाँ से धुआँ निकलता है, तो ये पाइप लगाया हुआ है ख़ारिज करने के लिए। और ये लकड़ियाँ, घास फूस, और ये हमने अपने बिस्तर वगैरह पैक कर दिए, ये आप देख सकते हो। ये देखें, ये समझो तो जिस तरह हम कराची में शहरी लोग इसको अलमारी बोलते हैं, लेकिन इसको कुछ एक और नाम दिया जाता है। और ये चारपाई चेक करें, ये देखें, चारपाई चेक करें, ये चमड़े से बनी हुई है। थोड़े करीब आते हैं, ये चमड़े से बनी हुई, मुकम्मल चमड़े की चारपाई। सही, ओके हो गया। और आपसे एक और नज़ारा आपको दिखाते हैं, यहाँ का चूल्हा। और आजकल तो कराची में भी भाई गैस की शॉर्टेज है, वहाँ भी गैस तो है ही नहीं, तो हमारे बच्चे भी ट्रेन हो चुके हैं। और ये देखो, आपको दिखाते हैं कि सुदेश और जवेरिया इस वक्त क्या कर रहे हैं। रिक्वेस्ट है, वीडियो मुकम्मल वॉच करें। ये देखें भाई, जवेरिया, ये क्या हो रहा है भाई? हाँ, भुट्टा पका रहे। भुट्टा पका रहे, भुट्टा भून रहे हो? हाँ, भुट्टा पकाया नहीं जाता है, भुट्टा भूंदा जाता है। और इसका तो ये देखें, ये गांव के चूल्हे। सुदेश, ये पत्थर हटाना आगे से, वो आगे आराम से हाथ जल जाएगा, काला हो जाएगा। ये देखें, हटाओ हटाओ, बस ये देखें, ये चूल्हा है। और ये सुदेश लगा हुआ है, भुट्टा बोंद रहे हैं भाई। ये जगरिया भी साथ बैठी हुई हेल्प कर रही है। अब कुछ ही देर में हम निकलने वाले हैं गांव पलोसा हसनजई से। और भाई, ये एक छोटा सा व्लॉग था, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियो मिलती रहे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।